अस्सलाम वालेकुम गाइस, अगर आपको भी व्हाट्सएप पर ये वाला मसला आ रहा है, यू नीड द ऑफिशियल व्हाट्सएप टू यूज़ दिस अकाउंट, अगर आपको भी ये मसला देखना पड़ रहा है तो आपने इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक वॉच करना है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दो ऐसे सोल्यूशन बताऊंगा जिनको अगर आप सही तरीके से जैसा मैं बताऊंगा अगर आप करते हैं तो आपका मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक वॉच कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लेना, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेना, नीचे कमेंट सेक्शन में एक छोटा सा और अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो गाइस अगर ये वाला मसला आपको देखना पड़ रहा है तो आपने क्या करना है, यहाँ से हम बैक आते हैं। बैक आने के बाद गाइस सबसे पहले तो आपने क्या करना है, अगर आपके मोबाइल में व्हाट्सएप बिजनेस और व्हाट्सएप मैसेंजर इनके अलावा कोई व्हाट्सएप है, FM व्हाट्सएप, GB व्हाट्सएप, रेड व्हाट्सएप, कोई भी व्हाट्सएप अगर है तो आपने उसको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर उस पर लॉन्ग प्रेस करना है। ठीक है, लॉन्ग प्रेस करने के बाद यहाँ पर अनइंस्टॉल कर देना है। ठीक है, उनको अनइंस्टॉल करने के बाद गाइस नंबर वन पे ये काम आपने लाजमी करना है, उनमें क्या होता है कि आपका डाटा भी लीक होता है और वो जो है उसमें काफ़ी मसला भी उनमें बन जाता है, क्योंकि वो ऑफिशियल जो है ऐप्स नहीं है, वो सिंपल डाउनलोड करके आपने यूज़ करनी होती हैं, तो उनमें आपका डाटा काफ़ी लीक होता है। तो ये बात एक जो है अच्छी समझ के आपने जो है उसको अपना डाटा लीक होने से आपने बचाने के लिए उसको अनइंस्टॉल उनको कर लेना है। उसके बाद गाइस आपने क्या करना है, नंबर वन का जो मेथड है वो बता देता हूँ। आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर आपने गूगल में आना है। ठीक है, गूगल में आने के बाद यहाँ पर आपने सिंपली सर्च करना है व्हाट्सएप। ठीक है, और यहाँ पर हम जो है व्हाट्सएप लिख लेते हैं और आगे आपने लिख देना है HELP। ठीक है, और सर्च के बटन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद गाइस कुछ इस तरीके से आपके सामने इसका इंटरफेस आ जाएगा, कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप, व्हाट्सएप हेल्प सेंटर, तो आपने यहाँ पर फास्ट पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद गाइस कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस आ जाएगा, तो गाइस यहाँ पर आपने कुछ इस तरीके से इसको एक बार देख लेना है। यहाँ पर ये पाकिस्तान फ़ोन नंबर, यहाँ पर आपने सिंपली अपना नंबर देना है जिस पर आपकी व्हाट्सएप बैन है या वो मसला आ रहा है। ठीक है, हम जो है यहाँ पर कोई भी नंबर, यहाँ पर 0 आपने नहीं डालनी, बाकी आपने जो भी नंबर है वो डाल देना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम ये एग्जांपल के तौर पे किसी का भी कोई नंबर डाल रहे हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने ईमेल एड्रेस देना है। ठीक है, तो हम जो है यहाँ पर ये वाला ईमेल एड्रेस दे देते हैं, नीचे भी हम यही देंगे। ठीक है, तो हम जो है यहाँ पर इसको कुछ इस तरीके से ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो आपने भी कुछ इस तरीके से ऐड कर लेना। उसके बाद ये नीचे कह रहा है हु डू यूज़ व्हाट्सएप, आप कौन से मोबाइल में व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड है, आईफोन है, वेब एंड डेस्कटॉप है, KIOS है, यहाँ पर अदर है, तो आपने एंड्रॉयड होगा तो आपने एंड्रॉयड को सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पर प्लीज़ इंटर योर मैसेज बिलो, यहाँ पर आपने अपना एक पैराग्राफ जो है वो यहाँ पर आपने पेस्ट करना है, जो कि यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वाला है। ठीक है, हेलो व्हाट्सएप टीम, आई एम यूज अपसेट अबाउट माई व्हाट्सएप इशू नीड यूर, यहाँ पर काफ़ी लिखा हुआ है, आपने इसको रीड कर लेना है और नीचे आना है, यहाँ पर आपने इसके आगे ईमेल लगा देना है। ठीक है, ये वाला पैराग्राफ मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पर अपना जो व्हाट्सएप सॉरी यहाँ पर आपकी जो होगी ईमेल वो भी आपने इसको यहाँ पर दे देनी है। ठीक है, और नीचे आपने अपना मोबाइल नंबर भी यहाँ पर दे देना है और उसके बाद आपने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर लेना है और यहाँ से ये वाली जो है जो आपकी रिक्वेस्ट है आपने ये भेज देनी है। इससे अगर आपका मसला हल नहीं होता तो नंबर टू का जो सलूशन है वो बता देता हूँ। आपने बैक आना है, बैक आने के बाद आपने प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद गाइज व्हाट्सएप को आपने सर्च करना है। सर्च करने के बाद गाइज कुछ इस तरीके से जब हम व्हाट्सएप को सर्च करेंगे, यहाँ पर हम व्हाट्सएप मैसेंजर सर्च कर लेते हैं। करने के बाद आपने इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ इस तरीके से ऐप सपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर आपको ये वाला एक तीर नज़र आएगा, आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ईमेल का ऑप्शन मिलेगा भाई, आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, तो मैं पहले ये स्टार्ट करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो हम जो है यहाँ से इसको काट करते हैं और सेम यही चीज़ यहाँ पर आपने क्या करना है, पेस्ट करनी है। ठीक है, तो हम इसको पहले जो है पेस्ट किया था, तो अब हम आपको समझाने और दिखाने के लिए दोबारा से पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको कुछ इस तरीके से कट कर लेते हैं। कट करने के बाद यहाँ पर अब हम इसको यहाँ से दोबारा पेस्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने ईमेल लगा देना है इसको कट करके। ठीक है, तो हम जो है यहाँ पर ईमेल लगा देते हैं और नीचे आपने मोबाइल नंबर यहाँ पर दे देना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने जो है अपनी फ़ाइल को अटैच कर लेना है। ठीक है,
तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये ड्राफ्ट में लेके आएगा और यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल को अटैच कर लेना, ठीक है। अटैच करने के बाद यहाँ पर हम जो है किसी को भी यहाँ से सिंपल अटैच कर लेते हैं, ठीक है। तो किसी अपनी जो भी होगी ना वो फाइल जो कि आपने स्क्रीनशॉट लिया था, जो मसला आपको आ रहा है उसका यहाँ से आपने जो है सिंपल जो है लगा लेनी है, ठीक है। लगाने के बाद आपने जो है यहाँ से इसको का देना है सेंड। तो यहाँ पर जब आप सेंड करेंगे तो इससे भी आपका मसला हल हो जाएगा। ये दो सॉल्यूशन 100% रियल वर्कम वाले सॉल्यूशन है जो कि मैंने बता दिए। अगर आप इनको यूज़ करते हैं तो आपका मसला हल हो जाएगा। तो गाइज आज की वीडियो तो यहाँ तक, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।